ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 22 जून 2020 मंडे है, सुबह के 8:11 हो रहे हैं। मंडे है, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है, नया वीक शुरू हो रहा है। लास्ट वीक हमने देखा एक रिकवरी तेजी में तब्दील हो सकती है, ऐसा एटमोसफियर, ऐसा इन्वायरमेंट अभी चार्ट पैटर्न्स में देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता है निफ्टी इंडेक्स, तो रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ पर है, कहाँ पर अगर करेक्शन आता है तो सपोर्ट लेवल्स कहाँ पर है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इंट्राडे लेवल्स को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 19 जून आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। फ्राइडे का अगर वीडियो आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,133 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,015। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद तुरंत ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ और ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में इस लेवल को फेल कर दिया और नीचे आकर 20 EMA, एग्जैक्ट 20 EMA के पास इसने लगातार सपोर्ट टेस्ट किया। ऊपर जाने की कोशिश की, तभी ब्रेकआउट लेवल के पास इसने एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, पेनेट्रेट किया इस लेवल को, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया कंफर्टेबली सेकेंड टाइम, तो फर्स्ट टारगेट 10,174 ये यहाँ पर अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 10,214 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ, और फिर से एक बार इसने ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट लिया और इसी रेंज के बीच में लगभग पूरा ये ट्रेडिंग सेशन ये ट्रेड होता रहा। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 45 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 33,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। US मार्केट लगातार हरे निशान में बंद हो रहा है, नासडेक फ्राइडे को हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ, यूरोपियन मार्केट्स भी 3 दिन के गिरावट के बाद फिर से एक बार हरे निशान में बंद हुए। एशियाई बाजार आज देखें तो हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है, मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। SGX निफ्टी पॉजिटिव ओपनिंग के बाद अभी कुछ कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स भी हल्की सी बढ़त दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो अभी 100 पॉइंट्स की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अभी एशियाई बाजारों से हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट है। लास्ट वीक अगर हम देखें तो इस तरह से कुछ चार्ट दिख रहा था, इस तरह से ऐसे, तो यहाँ पर ये हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा था। कंप्लीट नहीं था ये पैटर्न, सिर्फ सिग्नल दे रहा था कि ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी थी। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट लास्ट वीक यहाँ पर अगर एक बियरिश कैंडलस्टिक अगर यहाँ पर क्रिएट होता था और इस कैंडल का लो अगर यहाँ पर ये ब्रेक होता था तो चांसेस थे कि निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड्स फिर से एक बार साउथ की तरफ मुंह दिखाए। हालांकि लास्ट वीक का ये जो कैंडल है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक है, लेकिन एग्जैक्ट फिर से 61.8% का ये जो लेवल था फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, इसी के पास आके एक रुक गया, हाई ऑलमोस्ट इसी के पास लगा है 10,272 का। तो 2,276 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा एज पर वीकली चार्ट, ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो 10,600 के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, जहाँ पर ये 50 EMA का ब्लू लाइन आ रहा है, उसके बाद ऊपर 10,700 के पास ये 100 EMA आ रहा है। तो इस लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी इंडेक्स, और नीचे अभी 20 EMA जो कि पिंक लाइन है ये 50% के लेवल के पास है, जो कि अराउंड 10,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसी के पास अभी आ रहा है। तो नीचे 10,000 अभी सपोर्ट का काम कर सकता है, और ऊपर 10,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, यानी ये जो बियरिश कैंडलस्टिक का हाई है इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें 10,600-700 के लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में
देखने को मिल सकते हैं। अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़े, ये हमने वीकली चार्ट में देखा था। अभी डेली चार्ट में अगर ये जो स्विंग हाई लो बना है उसको पकड़ के अगर हम ये फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करें तो 10,300 जहाँ पर इसने ये लास्ट स्विंग हाई लगाया था इसी के पास ये 50% का लेवल आ रहा है। तो 10,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो 10,500 यानी 61.8% का लेवल वहाँ पर आ रहा है। तो ये नेक्स्ट टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है अगर 10,300 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो। और यहाँ पर नीचे की तरफ आता है तो 100 EMA जो हमने वीकली चार्ट में देखा था 20 EMA 10,000 के पास आ रहा था, डेली चार्ट में ये ग्रे लाइन 100 EMA का ये 10,000 के पास आ रहा है, 10,035 के पास है। तो 10,000 के पास अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, अगर वो ब्रेक होता है तो ही निफ्टी इंडेक्स फिर से हमें टूवर्ड साउथ की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सीनारी। 60 मिनट के चार्ट में चलते इंट्राडे लेवल्स आज क्या हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते। अगर निफ्टी इंडेक्स तुरंत ऊपर चला जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट में इसने इसी लेवल के पास से एक गिरावट दिखाई दी, तो यानी इस जोन के पास एक सेलिंग प्रेशर है इस लेवल के पास। तो कंफर्टेबली इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए निफ्टी इंडेक्स को, यानी 10,297 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, राउंड फिगर कर देते 300 कर देते इसको, 10,302 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है 300 के ऊपर तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक क्विकली टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि इसी लेवल के पास आ रहा है, यानी 10,320 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 10,356 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इनसाइड बार ट्रेडिंग फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, यानी ये जो प्रीवियस आर का कैंडल है इसके हाई और लो के बीच में ये कैंडल बना है और दोजी टाइप का ये कैंडल बना है। तो हो सकता है यहाँ से हमें रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले। जब जब दोजी पैटर्न आता है तो कंटिन्यूएशन होता है या फिर उसका अगर लो ब्रेक होता है तो हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है यानी 10,196 के पास ये अगर ब्रेक होता है तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,158 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा S1 का पिवट पॉइंट का लेवल जो कि 10,120 के पास है, जहाँ पर इसने कई बार ये पास में लगभग पूरा दिन रेजिस्टेंस फेस किया था इस लेवल के पास 10,120 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।